नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरदत, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों में पोषण स्तर की जांच की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने इसके लिए जिला स्तर पर स्कूलों का चयन किया है। पटना जिले से 10 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में विशेषज्ञों की टीम जाकर छात्र और छात्राओं के पोषण स्तर की जांच करेगी। जांच के लिए यूनिसेफ की मदद से एक उपकरण तैयार किया गया है। संबंधित स्कूल के शिक्षकों को उपकरण के इस्तेमाल को लेकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN.1 ने एक बार फिर से सबको संकट में डाल दिया है। देश के सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया है और साथ ही कोरोना के मामलों को गंभीरता से लेने को भी कहा गया है। कोरोना का यह नया सब वेरिएंट दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। भारत में भी ऐसे सब वेरिएंट का एक मामला केरल में आ चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी की। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्रवाई और सख्ती कर रहे हैं। पाठक द्वारा आए दिन स्कूलों और शिक्षकों को लेकर नए फरमान जारी किए जाते रहे हैं। अब इसी राह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी भी चल पड़े हैं। जिला स्तर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी प्रखंड पदाधिकारियों को जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने और अमेरिकी कांग्रेस में उनके मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेसनल हिंदू कॉकस की घोषणा की गई। रिपब्लिकन सांसद पीटर और एलिस स्टैनफिनम ने मंगलवार अमेरिकी संसद में इसकी घोषणा की। धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना हमारा उद्देश्य। मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक 115वीं कांग्रेस के दौरान स्थापित कॉकस ने हिंदू अमेरिकी समुदाय और नीति निर्माताओं के बीच संबंध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर व मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में परीक्षार्थियों को आधे घंटे पहले एंट्री दिलाया जाएगा। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 15 से 23 फरवरी व इंटर की परीक्षा 1 से 12 फरवरी 2024 तक चलेगा। ऐसे में फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले सेंटर पर एंट्री कर लेना होगा। ऐसे में परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 9 बजे तक सेंटर पर प्रवेश कर लेना होगा, जबकि सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 1:30 बजे तक एग्जाम हॉल में एंट्री करना होगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण वहां पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली NCR क्षेत्र में इस वजह से पारा काफी नीचे चला गया है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के कारण वहां से चलने वाली हवाओं की वजह से पास के मैदानी राज्यों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण मैदानी राज्यों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR समेत सभी मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिस वजह से यहां पर रहने वाले लोगों को शीतलहर से बचकर रहने का सुझाव दिया गया है। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई एनडीए गठबंधन की बैठक में बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करने के बाद इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज किया। उन्होंने कहा कि खड़गे तो डमी है, चलाएंगे मम्मी, नीतीश कुमार का तो काम हो गया, अब पता नहीं किस हाल में कहां पड़े होंगे। इस समय सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार को ही लगा है। नीतीश कुमार को अलायंस ने कहीं का नहीं छोड़ा। कच्चे तेल में वैश्विक वृद्धि के बावजूद सरकार नागरिकों को कीमतों में बड़ी राहत दे रही है। राज्यसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2021 से नवंबर 2023 के बीच अमेरिकी समेत अन्य देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े पर भारत में घटे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत से तय होती है। तेल कंपनियां यह देखती है कि पिछले 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भावों का औसत क्या है, उसी हिसाब से दाम तय किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने अपने 3 दिवसीय प्रवास पर 21 दिसंबर को पटना आ रहे हैं। दक्षिण बिहार के प्रांत प्रचार प्रमुख अभिषेक कुमार ने बताया कि 21 दिसंबर को सरसंघचालक पटना पहुंचेंगे। उसके अगले दिन यानी 22 दिसंबर को भागलपुर के कुप्पाघाट स्थित महर्षि में ही आश्रम में पूज्य संतों के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। 23 दिसंबर को पटना से वापस प्रस्थान करेंगे। लोकसभा में निलंबित विपक्षी सदस्यों की ओर से पूछे गए 27 सवालों को मंगलवार को प्रश्नों की सूची से हटा दिया गया। इसी तरह विभिन्न मंत्रियों से एक ही सवाल पूछने वाले सदस्यों के समूह से कई निलंबित सांसदों के नाम हटा दिए गए। राजस्थान विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने वाले हनुमान बेनीवाल का नाम भी हटा दिया गया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार और कांग्रेस की राम्या हरिदास के पूछे गए 2 तारांकित प्रश्न हटा दिए गए। राज्य सरकार के कर्ज लेने की लागत कम ले होकर 11 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई है। इस दौरान उनके कर्ज पर भारित औसत कूपन दर 8 आधार अंक घटकर 7.61% पर आ गई। इससे पिछले सप्ताह में यह दर 7.69% रही थी। कम से कम 13 राज्यों ने मंगलवार को बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर 19,700 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इकरा रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री आदित्य नायर ने कहा कि कर्ज पर भारित औसत वृद्धि 11 वर्ष से बढ़कर 13 वर्ष होने में बावजूद कूपन दर में गिरावट आई।
विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में इस साल सबसे ज्यादा निवेश दिसंबर में किया है। इस माह अब तक FII ने 54,757 करोड़ का शुद्ध निवेश किया है। उदारीकरण के बाद वित्त वर्ष में इन निवेशकों ने भारतीय बाजार में निवेश की शुरुआत की थी, तब से अब तक किसी एक महीने में सर्वाधिक निवेश दिसंबर 2020 में कोरोना के समय रहा था। उस समय 62,016 करोड़ का निवेश हुआ था। यह रिकॉर्ड इस महीने टूटने की संभावना है। गूगल मैप अगले साल की शुरुआत में भारत से एड्रेस डिस्क्रिप्टर सेवा लॉन्च करेगा। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह गूगल द्वारा भारत से शुरू की जाने वाली पहली वैश्विक सेवा होगी। सेवा के तहत मैप का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति द्वारा साझा की गई लोकेशन के निकटतम लैंडमार्क और वहां से लोकेशन की दिशा का पता चल सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। संसद में यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए बिरला ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है। संवाद, बहस और चर्चा भारतीय संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोर्टेन लोकेगार्ड और सुरक्षा और रक्षा पर उपसमिति के अध्यक्ष नथाली लाइसो ने किया। बिरला ने कहा कि भारत और यूरोप लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों पर आधारित साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं या बैंकिंग सेवाओं से नाखुश हैं और उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए ये काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके जरिए आप अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, पेंशन स्लिप, लोन की जानकारी और कई अन्य SBI बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो नया SBI इंस्टा खाता खोलने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का उपयोग कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि न तो भारत और न ही अमेरिका पाकिस्तान में नकदी संकट के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने परोक्ष रूप से पाकिस्तान की सेना पर हमला किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के दावेदारों के साथ बातचीत के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें 1993, 1999 और 2017 में 3 बार सत्ता से बेदखल किया गया था। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जहां पहुंच गई है उसके लिए भारत, अमेरिका या यहां तक कि अफगानिस्तान जिम्मेदार नहीं है। वास्तव में हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक वह विकसित देश का दर्जा हासिल नहीं कर लेता तब तक कोयले से पैदा होने वाली बिजली पर निर्भर रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के लिए विकसित देशों के दबाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की ऊर्जा जरूरतों को सिर्फ तेल और गैस से पूरा नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया एक तरफ जहां नए साल का जश्न मनाने में जुटी हुई है, वहीं कंपनियों में मंदी की आहट का असर दिखने लगा है। निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी कोषों का निवेश नवंबर में घटकर 43 महीने के निचले स्तर $1.6 अरब पर आ गया। इस बीच खबर आ रही है कि भारत में बेंगलुरु के प्रमुख IT खिलाड़ियों ने कर्मचारियों के लिए वार्षिक बढ़ोतरी और पदोन्नति में भारी कटौती लागू की है। बेंगलुरु स्थित टेक दिग्गज इंफोसिस ने इस साल अपने कर्मचारियों को 10% से भी कम वेतन वृद्धि दी है। सोमवार को लोकसभा में पेश दूरसंचार विधेयक समूचे दूरसंचार क्षेत्र में कई तरह के बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। अगर यह सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवा को बढ़ावा देकर मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के सामने कुछ चुनौतियां पैदा कर सकता है तो यह देश को आपातकालीन परिस्थिति में ज्यादा सुरक्षित भी कर सकता है। खासतौर पर जिस तरह से राष्ट्र के आर्थिक व रणनीतिक हितों में संचार का महत्व बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न अस्पतालों के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधी बीमारी के मामले बढ़े हैं। मांडविया ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में जानकारी दी कि इस निगरानी का मकसद संबंधित वायु गुणवत्ता स्तरों के संबंध में शहरों में निगरानी करने वाले अस्पतालों से रिपोर्ट की गई तीव्र श्वसन बीमारियों के रुझान का निरीक्षण करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि केंद्र और राज्यों के मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 100% के ऊपर पहुंच सकता है। IMF ने चेतावनी देते हुए कहा कि लंबी अवधि में भारत को कर्ज चुकाने में दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने में देश को बहुत अधिक निवेश करना होगा। देश में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों पूरा करने के लिए सरकार ने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस में हिस्सेदारी को बढ़ाने का फैसला लिया है। 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.7% से बढ़ाकर 2 गुना से भी अधिक यानी 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड के दायरे में 10,860 किलोमीटर के विस्तार पर काम चल रहा है। शहरी गैस वितरण नेटवर्क विस्तार के लिए न्यूनतम कार्य योजना के तहत करीब 12.50 करोड़ PNG कनेक्शन और साल के अंत तक 17,751 CNG स्टेशनों की स्थापना के लिए कार्य प्रगति पर है। शेयर बाजार में लिस्टिंग का सिलसिला जारी है। आज शेयर बाजार में फेसल मेकर कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर लिस्ट हुए हैं। कंपनी के शेयर 790 रुपए के निर्गम मूल्य पर लिस्ट हुए हैं। BSE और NSE दोनों पर स्टॉक 1,400 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ जो निर्गम मूल्य से 77.21% की छलांग दर्शाता है। इसके बाद में कंपनी के शेयर BSE पर स्टॉक 69.30% बढ़कर 1,416.50 निवेश पर पहुंच गए हैं।
प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में रोजाना रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहे हैं। पॉइंट टेबल में पुनरी पलटन 21 अंक के साथ टॉप पर बनी हुई है। वहीं बंगाल वॉरियर्स 21 अंक के साथ दूसरे पायदान और हरियाणा 20 अंक के साथ तीसरे पायदान पर आ गई है। इसके बाद 18 अंक के साथ गुजरात जायंट्स है। प्रो कबड्डी लीग 2023 सीजन 10 का लाइव आप स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकेंगे। इसके अलावा आप डिज्नी हॉटस्टार ऐप डाउनलोड कर भी मैच का मजा ले सकेंगे। इस शुक्रवार यानी 22 दिसंबर 2023 को थिएटर में एक नहीं बल्कि दो दो कमाल की फिल्में रिलीज होंगी। पहली शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी और दूसरी प्रभास स्टारर सालार। ऐसे में एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म डंकी ने इन 5 दिनों में 3.40 लाख से ज्यादा का टिकट सोल्ड की है, जिसके जरिए फिल्म ने अब तक करीब 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। प्रभास की फिल्म सालार ने पिछले 5 दिन में करीब 4 लाख टिकट बेच दिए हैं, जिसके जरिए फिल्म ने अब तक 11 करोड़ के आसपास बिजनेस कर लिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्वक की जाएगी। इस प्राण प्रतिष्ठा का जश्न न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाएगा। 7 समंदर पार अमेरिका में भी इस प्राण प्रतिष्ठा को भव्य जश्न के रूप में मनाने की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। यह समारोह 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 1100 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन ने स्किल इंडिया के तहत रेलवे गुड्स सेड वर्कर्स मंथन 2023 का आयोजन किया है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन ने लंबे संघर्ष के बाद सभी प्रकार के सरकारी लाभ मिलने की सफलता पर राष्ट्रीय स्तर के महासम्मेलन मंथन 2023 का आयोजन किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमल कांति मंडल ने कहा कि ब्रिटिश शासन के बाद से रेल माल गोदाम श्रमिकों के शोषण के खिलाफ BRMGSU के लंबे संघर्ष के बाद इन श्रमिकों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं मिली हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के प्रतिष्ठित उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दुनिया के टॉप 10 स्टील कंपनियों की सूची में शामिल कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। दरअसल वर्तमान में सेल स्टील उत्पादक कंपनियों की विश्व स्तरीय सूची में 21वें स्थान पर है। सेल के अध्यक्ष अमरिंदु प्रकाश ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्टील की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सेल ने केवल अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा बल्कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाएगा और इस दिशा में नए नए अन्वेषण पर भी जोर देगा। संसद सुरक्षा चूक की घटना पर विपक्ष केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ी हुई है। लोकसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने बार बार केंद्रीय मंत्री के बयान की बात कही और जमकर लोकसभा में हंगामा मचाया। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा से कई सांसदों को निलंबित किया गया। अब तक लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सहित कुल 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों के लिए एक परिपत्र जारी किया, जिसमें उन्हें संसद कक्ष लॉबी और दरगाहों में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। सैफ अली खान, करीना कपूर खान हाल में अपने बच्चों के साथ अपने वेकेशन मनाने या यूं कहें कि सर्दियों की छुट्टियां मनाने पटौदी पैलेस पहुंचे हैं। ऐसे में करीना कपूर ने यहां से अपने परिवार और वेकेशन की कुछ फोटो शेयर की है, जो जमकर वायरल हो रही है और फैंस को खासी पसंद भी आ रही। हालांकि इस दौरान किसी की नजर एक खास झंडे पर पड़ गई, जिसे खुद सैफ अली खान निहारते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही ये फोटो वायरल हुई, हर कोई यही जानना चाह रहा था कि आखिर ये किस देश का झंडा है। हमारी तरफ पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारी तरफ पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, अनवर करीम खान, नौशद राजा, धनंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ठंड से बचाव के लिए आप क्या तरीका अपना रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।